दरवाजा खोलो ना। कमाल की बारिश। ओए। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। तुम इधर ख्यालों में खोई रही, उधर मैं बारिश में भीग गया। बोलो बोलो, तुम क्या सोच रही थी? मैं राकेश के बारे में सोच रही थी। क्या? यही कि वो कितना खतरनाक था। जब कभी उसके बारे में सोचती हूँ तो खप जाती हूँ। भाई मैं तो राकेश का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। क्या मतलब? राकेश नहीं होता तो हम लोग कभी भी एक दूसरे के इतना करीब नहीं आ पाते। चीयर्स। चीयर्स। ये 3 लफ्ज सुनते सुनते तो जमाना हो गया है। हमारी सगाई को भी 1 साल हो गया है। अब शादी कब होगी? शादी? अरे शादी की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये मॉडर्न जमाना है। शादी वादी तो लोग पुराने जमाने में क्या करते थे। इस जमाने में तो लोग पहले बच्चे पैदा करते हैं। शादी से पहले बच्चे? अरे तो इसमें क्या हुआ? शादी से पहले बच्चे या बच्चे से पहले शादी, बात तो एक ही हुई ना। अपने अल्फाज वापस लो। मैं तो भाई लफ्ज वापस नहीं लेता। नहीं 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 नहीं। तो अरे ये क्या कर रही हो? अपने अल्फाज वापस लो। तू जाओगे तो माओगे बर्बाद हो। क्या कर रही? अरे 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 पाप अरे अरे stop it इतनी चलाता है। देखो पुलिस वाला हो भाई। थामा थामा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आ गया मामा, संभल के बैठो। आ इल्ला येड़ा कुटला हो गया ना? क्यों जनाब? हुल पुलिस को हुल? आप गाड़ी चला रहे हैं या रेस की मैदान में घोड़ा चला रहे हैं? जल्दी किस बात की आपको? डार्लिंग जल्दी करो, कहीं बच्चा यहीं पे नहीं हो जाए। बच्चा? I'm sorry, अब मेरी समझ में। आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, यू फॉलो मी, मैं आपको जल्दी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यू जस्ट गड़बड़ हो जाएगी, इमरजेंसी पानी बाणी सब। लोगो लोगो चलो हॉस्पिटल। कौन? अरे हॉस्पिटल आ गया। ड्रामा कंटिन्यू करें। ये यू आर सर। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। कुछ और चाहिए था क्या? मेरा मतलब है थैंक यू किस बात की, ये तो हमारी ड्यूटी है। डॉक्टर व्हीलचेयर ले आना, पेशेंट लाया हूँ, जल्दी आओ। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आओ। क्या सर, ये वर्दी देखकर लोग जल्दी काम करते हैं, वरना आजकल तो हर जगह लाइन लगानी पड़ती है। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। आप कुछ समझे नहीं सर, आप सिर्फ थैंक यू बोले जा रहे हैं। ओहो, आपको मतलब कुछ और नहीं? आई सी। लीजिए, ये लीजिए। सॉरी सर। चलते बनो। हाँ जी सर। आइला मेलो। पहला बच्चा है क्या? बिल्कुल पहला, शादी से भी पहला। क्या अभी तक तुम लोग शादी नहीं बनाया? नहीं। आजकल का फैशन है कि पहले बच्चा और फिर शादी। ओह माय गॉड, कैसा कैसा लोग इधर आता है। चलो चलो जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो बच्चा इधर ही छो जाएगा। चलो बच्चा चाहिए? हाँ। ये लो इनका बच्चा। ये क्या? एक मिनट, माय बेबी। हाय। कैसा कैसा अजीब लोग है। अभी तो सिर्फ 3 बरस हुए हैं, 11 बाकी हैं। हरामजादा! गांव नहीं, हॉस्पिटल आ गया है। आ जाओ, संभल के आ जा, आ जा। आहिस्ता आहिस्ता, घबराओ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वार्ड बॉय, जल्दी व्हीलचेयर लाओ। अरे ठहरो ठहरो छोकरा लोग, ये पिछले साल ये भी हम लोगों को उल्लू बनाया था और एक तकिया को जन्म दिया था। क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। इस बार तकिया नहीं है, असली बच्चा है। देखिए ना, असली बच्चा है। बहुत तकलीफ हो रही है। आई सी। हाँ। अंदर चलो, अंदर चलो। तुम बोला था कि एक साल पीछू आएगा। You kept your promise। बिल्कुल टाइम पे आया ना, मैं वादा निभाता हूँ हमेशा। एसपी साहब, कांग्रेचुलेशंस, आपको लड़की हुई है। ओह थैंक यू डॉक्टर। कहने कोई आपकी मिसेज रूम नंबर 203 में है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। ओके, Good night. चलो भाई, बहुत थक गए हैं। क्या कर रही हैं आप सटानी जी? गुड नाइट। देर हो गई है, आप जाकर सो जाइए। चलो बाकी के प्रेजेंट सुबह खोलना। चलो गुड नाइट बोलो पापा को। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे। सुनो, हाँ? शांति को बोल देना एक कप कॉफी। थक गया। शांति, सबके लिए एक कप कॉफी बनाओ। जी मैम साहब। अब मैं मिनी बेटी को अपना प्रेजेंट दूंगी। हाँ हाँ, ये देखो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। बहुत देर हो गई, अब जल्दी से अपना नाइट सूट पहन लो। कॉफी। गई आपकी कॉफी? हाँ, हो तो गई, मगर कुछ अजीब सा लग रहा है, चक्कर आ रहा है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन हो तुम? राकेश। रवि, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है एसपी साहब। मैंने आपकी कॉफी में एक ऐसी दवा मिला दी है कि चंद घंटों के लिए आप अपाहिज हो जाएंगे। क्या? जहर भी मिला सकता था, लेकिन नहीं। रवि, मेरी फिक्र, मेरी भाग जाओ सुप्रिया, भाग जाओ। कानून अंधा होता है, वो ये नहीं देखता कि कटघरे में खड़ा हुआ मुलजिम किसका बेटा है, किसका बाप है, या फिर वो किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी बीवी है, चाहे वो शहर का सुवर्णन पुरुष क्यों ना हो। योर ऑनर, मुलजिमा सुप्रिया ने सुपरिटेंडेंट पुलिस रवि की बीवी होने का नाजायज फायदा उठाया। योर ऑनर, इसने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी होशियारी से और बहुत चालाकी से राकेश की जान ली। मुलजिमा ने राकेश पर पहले तेल डाला योर ऑनर, फिर उसे आग लगाई और इस तरह बेरहमी और बेदर्दी से राकेश की जान ली, जबकि मुलजिमा को कोई हक नहीं था योर ऑनर कि वो कानून को अपने हाथों में लेकर किसी इंसान की जान ले। इंसान योर ऑनर, वो इंसान नहीं था, वो शैतान था, हैवान था। और अगर मैं उस शैतान को नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता, मेरी बच्ची को मार डालता, मेरे पति को मार डालता। योर ऑनर, वो बहुत खतरनाक था। वो अपनी हवस में, मुझे पा लेने की हवस में कुछ भी कर सकता था। वो एक ऐसी गंदी आत्मा थी जिससे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। काश मैं उसे उस दिन पहचान गई होती जिस दिन वो मुझसे पहली बार मिला था। माफ कीजिए मैडम, मैं बड़ी देर से आपको देख रहा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आप खुद ही बता दीजिए कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। लगता है आजकल के रोमियो का किसी लड़की से बात करने का ये कोई नया तरीका है, फिर भी बता देती हूँ। लक्स टॉयलेट सो। कट इट। ओके, तुम जाओ। जी। सुप्रिया जी, आप दूसरे सीन के लिए जाकर ड्रेस चेंज कर लीजिए। ओके। अंजलि जी, आप आइए। यस सर। पप्पू। Excuse me? Yes? अगर आपको एतराज ना हो तो कुछ फोटोग्राफ्स ले। Okay. वहां चलते हैं, प्लीज। आफ्टर यू। स्माइल। एक्सेलेंट। शोल्डर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। होल्ड ऑन। टेरिफिक। थैंक्स। Okay. Not so much. Can you turn left? Yeah. Freeze. अरे यार पप्पू जल्दी कर यार। ये लीजिए मेरा कार्ड। My name is राकेश। दोबारा खिदमत का मौका दीजिएगा। क्या हुआ, सुप्रिया कहाँ है? सुप्रिया, शॉट रेडी है। Excuse me. सुप्रिया? हाँ, अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? तुझे याद है उस दिन लक्स सुप्रीम वालों के सेट पर एक फोटोग्राफर मिलने आया था? हाँ, क्यों? ये देख क्या तस्वीर ली है तुम्हारी। वाह! अंजलि ठीक कह रही है सुप्रिया, इतनी अच्छी तस्वीर तेरी कभी ना आई थी, आई है और ना आ सकती है। यू आर राइट, ये फोटोग्राफर हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। तेरी उसने अपना कार्ड दिया था लेकिन तूने उसे फूलों के गमले में फेंक दिया था। हाँ, याद आया, चलो चले। नहीं कहाँ फेंक दिया। सुप्रिया, कार्ड मिल गया, दिखा। हाँ यही है। एक्सक्यूज मी प्लीज, जस्ट अ मिनट। अरे सुप्रिया, देख तेरी तस्वीर। सुप्रिया, अरे ये भी। सुप्रिया, इस आदमी के हाथ में कुछ जादू है। जादू? कहिए क्या चाहिए? मेरा ख्याल है ये मुझसे मिलने आए हैं। हाय। हेलो, आपका ख्याल सही है, हम आप ही से मिलने आए हैं। आप वाकई बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। इसीलिए शायद आपने मेरा कार्ड कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हाँ, वही ढूंढने के लिए आधा घंटा लग गया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी अगर आज के बाद आप मुझे फोटोग्राफ करें। आज के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? Pose. That's good. Just a second. मजा नहीं आया। I think what we must do is pose. Okay, मैं कर लेती हूँ। Yeah, that's good. Okay, the earrings must be seen. Good. And we should pull this down a bit. Okay. That's it. Good. Now facing that side, please. All right, hold on. Change. Yeah. Now the hands. I think we put it there. Or maybe like this. Yeah. No. Piche lete. Hips little forward. Excellent. Yeah. Maybe like that. That's like. Hold on. Change. Zara, can you lie down? Okay. That's it. Like this? All right, steady. ठीक है? हाँ, मजा नहीं आया। You know what I really mean is, you know, the hand. That's nice. Hands little forward. Yeah. Good. Okay. Little separation. All right, now bring your hand little forward. अंजलि, हाँ, तुझे ऐसा नहीं लगता? ये आदमी अपने कैमरे से ज्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। Now will you stop it? भाई तुम मानो या ना मानो सुप्रिया, पर बात तो ये सही है कि ये आदमी गलत है। मुझे तो उस आदमी से बहुत डर लगता है। Will you both shut up? I can look after myself. मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। हाय। हाय। पैकअप हो गया क्या? हाँ। आज तुम्हारा वो बॉडीगार्ड नहीं आया? आया नहीं तो क्या हुआ, आ जाएगा। भौरा भी कभी फूल का पीछा छोड़ता है क्या? फिर वही बकवास। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम तीनों उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हैं? जलती हैं उससे। हम क्यों जलने लगे उससे? क्या वास्ता है हमारा उससे? मगर मेरा वास्ता है। वो एक स्टार टेक्नीशियन है और मैं एक मॉडल। ये तो हुआ तुम्हारा ख्याल, लेकिन तुम्हारे लिए उसका क्या ख्याल है? वही जो एक कलाकार का अपनी कला के लिए होता है। Why don't you all understand that? I only like him, but I'm in love with his work, and he's in love with your body. इसी धोखे में एक दिन तुम जरूर धोखा खाओगे सुप्रिया। God. तुम्हारे लिए तो उसकी आंखों में सिर्फ भूख ही भूख है, वासना की भूख, जिसे अंग्रेजी में लस्ट कहते हैं। LUST, लस्ट। अंडरस्टैंड? और कुछ कहना है तुम्हें? Why don't you all leave me alone now? मुझे चेंज करना है। तो ये हैं आपके फ्रेंड्स। राकेश, अब तुम प्लीज कुछ मत कहना। मगर सुप्रिया, ये लोग तुम्हारी तरक्की देखो, पर तुम्हारा इन लोगों से क्या लेना देना। तुम गाड़ी में जाके वेट करो, मैं भी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके प्लीज। राकेश, तुम्हारा मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। डील खत्म हो गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी सहेलियां तुम्हें इतना गलत क्यों समझती हैं? राकेश, तुम वाकई बड़े आर्टिस्टिक आदमी हो। क्या लोकेशन चुनी है तुमने। Let's go. राकेश, ये तुम क्या कर रहे हो? राकेश, ये बंद करो। राकेश, राकेश, मुझे कुछ हो रहा है। क्या हुआ है सुप्रिया? अच्छा मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना इंसान के भेष में इस दरिंदे ने तुम्हें दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक ना छड़ा होता। क्या मतलब? पूछ अपने इस फोटोग्राफर से जो अपनी जादू विद्या का फायदा उठाकर तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता था। राकेश, इससे क्या पूछती हो? इसकी खामोशी इसका जवाब है, इसकी शर्म से झुकी हुई आंखें इसके गुनाह को कबूल करती है। चलो सुप्रिया यहाँ से चलो। This is outrageous, Your Honor. In fact, this is contempt of court. मुलजिमा जादू टोना छू मंतर न जाने क्या क्या बताकर न सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है बल्कि अदालत की तौहीन भी कर रही है। कोई तौहीन नहीं कर रही है योर ऑनर, और कोई झूठ भी नहीं बोल रही हैं। मैं मानता हूं योर ऑनर के कोई भी शख्स ऐसी बातों पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि सुप्रिया देवी जो कुछ कह रही हैं वो बिल्कुल सच कह रही हैं। योर ऑनर, इसके लिए मैं राकेश के नौकर कार्तिक को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है जज साहब। आज से 5 साल पहले मैं राकेश बाबू के वहां नौकरी करता था। तब एक रात, आइए साहब। साहब खाना लगा दिया साहब। मैं खाना नहीं खाऊंगा और किसी को मेरे कमरे में आने मत देना, तुम भी नहीं। शैतानी शक्ति से मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग कर। बोलो, हमारे साहब को कुछ हो गया। योर ऑनर, ये कोई पहली मर्तबा मैं नहीं गया था राकेश का इलाज करने। राकेश मेरा पुराना मरीज रह चुका था और उसकी इन्हीं खतरनाक शैतानी हरकतों की वजह से मुझे उसकी फिक्र लगी रहती थी। योर ऑनर, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि यह ब्लैक मैजिक, इस तरह कुदरत के नियमों के साथ खेलना, यह सब गलत है, मेडिकल साइंस के खिलाफ है ये, लेकिन वो नहीं माना और उसका ये पागलपन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीमारी बन गया, रोग बनकर उसके दिमाग पर असर होने लगा उसका, जिसकी वजह से उसे मुझे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ा। राकेश, तुम एक होनहार फोटोग्राफर हो, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम जादू टोने में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हो। सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं डॉक्टर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। किसी भी तरह मैं अपने कैमरे के अंदर अपने आत्मा की तस्वीर निकालना चाहता हूं। मैं इससे पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि तुम्हारे ये शौक और एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें पागल बना के छोड़ेंगे। तुम्हारी इस एक्सरे से साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर तुमने डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अब इसे कैसे समझाऊं? इसकी दिमागी हालत खराब होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी है। योर ऑनर, मेरे दोनों गवाहों के बयानात से यह साबित हो गया है कि राकेश काली विद्या का बखूबी इस्तेमाल करना जानता था और इसलिए वो इंसान पागल हो गया था। हाँ योर ऑनर, वो दरिंदा, वो शैतान अपनी काली शक्ति की विद्या से जो चाहे कर सकता था और अगर कोई उसके रास्ते की रुकावट बनना चाहे तो उसका पागलपन उसके सर पर खून बनकर सवार हो जाता था और फिर उसे कोई नहीं रोक सकता था। मेरी सहेली रूबी, जिसने मुझे बचाया था, उस दिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ 2 मिनट के लिए रूबी, बात करनी है। देखो रूबी, तुम सुप्रिया के कान क्यों भरती रहती हो? हम दोनों के बीच में क्यों आती रहती हो? मैं सुप्रिया से प्यार करता हूँ रूबी। प्यार? तुम प्यार का मतलब जानते हो? प्यार जैसे पवित्र शब्द को तुम बदनाम मत करो। तुम सुप्रिया से प्यार नहीं करते, तुम तो उसके जिस्म से प्यार करते हो। जिस दिन तुम्हारी ये जिस्म की भूख मिट जाएगी, तुम सुप्रिया की शक्ल तक नहीं देखोगे। उसके जिस्म और जिंदगी से खेलने को तुमने प्यार का झूठा नाम दे रखा है। तुम इंसान नहीं, एक दरिंदे हो, एक जंगली जानवर हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। तुमने रूबी, ओह गॉड, देख लिया अपनी आंखों से क्या हालत बना दी है तुम्हारे चाहिए फोटोग्राफर ने। लेकिन क्यों? इसलिए कि हम तुम्हें उससे मिलने से रोकते हैं। बेटी क्या तुम? सॉरी अंकल। सुप्रिया, अंजलि की डैडी डॉक्टर विकास। नमस्ते। हेलो, कहीं तुम लोग फोटोग्राफर राकेश की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ, वो तो मेरा पेशेंट रह चुका है। पेशेंट? जी, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और उस दरमियान वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और इसकी वजह है कि वो ब्लैक मैजिक करता है। ब्लैक मैजिक? मैंने कई मर्तबा उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती और उसकी दिमागी हालत और खराब होती जाती, यहाँ तक कि वो आज भी ब्लैक मैजिक करता है। हेलो, सिरॉक हियर, हेल्थ क्लब। वहाँ मिस सुप्रिया होगी। कौन, राकेश जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं राकेश बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून राकेश जी। सुप्रिया जी यही है, मैं भी बुला देता हूँ। हाँ सुप्रिया जी, आपके लिए फोन है। किसका है? राकेश जी का। कह दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन मैं तो कह चुका हूँ कि आप यहीं पे हैं। तुम कह दो अभी निकल गई है, कह दो हेल्थ क्लब गई है। राकेश जी, सुप्रिया जी अभी भी चली गई हैं। मगर अभी अभी तो तुमने कहा था कि वो यहीं पर हैं। वो अब अभी गई हैं, थोड़ी देर हुए, हेल्थ क्लब गई हैं। होटल सी रॉक चलो। अब कैसी तबीयत है रूबी की? अब अच्छी है, बुरी हालत हो गई थी बेचारी की। सुप्रिया, राकेश आ गया। कहाँ जा रही हो? मैं उस कमीने की सूरत भी देखना नहीं चाहती। सुप्रिया, सुप्रिया देखो राकेश, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का कोई वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ इन तीनों ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कानों में क्या क्या जहर भरा है। मेरी सहेली के साथ जो तुमने सलूक किया है वही तुम्हारी शराफत का सबूत है। बेचारी को इतना मारा कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। सुप्रिया मेरा यकीन करो, मैं उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था लेकिन उसकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुप्रिया। ये सब झूठ है, तुम सिर्फ वास्ता के भूखे हो, तुम्हारी हर बात में बनावट है। तुम वक्त का फायदा उठाकर अपना मतलब निकालना चाहते थे। तुम एक जलील और गिरे हुए इंसान हो, बल्कि तुम्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। तुम सिर्फ एक जानवर हो। You're a bloody animal. Now leave me alone. तुम एक परिंदे हो, जंगली जानवर हो, बल्कि उससे भी बदतर हो। I never want to see you again. हाँ मैं जानवर हूँ, जानवर, सबको खत्म कर दूँ। योर ऑनर, अदालत में छाई ये खामोशी चीख चीख कर सबके हैरानी का बयान दे रही है और ये बात है भी हैरान होने की। अगर यही किस्सा किसी ने पहली बार मुझे सुना होता तो मैं भी हैरानी से खामोश हो गया होता, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मौका वारदात पर मैं मौजूद था। डोंट मूव, गिरफ्तार कर लो इसे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है मिस सुप्रिया। हाँ सुप्रिया, आप कातिल को कब से जानती हैं? क्या हुआ? एसपी साहब, वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ऑफिसर जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आज रात में यहीं रहना चाहूंगी। देखिए ऐसे डरने की कोई बात नहीं, पुलिस का पहरा रात भर रहेगा यहाँ। प्लीज ऑफिसर। ओके नो प्रॉब्लम। हमीद कम हियर। यस सर। आज रात को तुम यहीं रहोगे। पुलिस हिरासत से भागकर राकेश ने क्या क्या किया योर ऑनर, ये मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत सोच समझ कर ठंडे दिमाग से अपनी हर चाल चलने लगा। उसने तय किया कि एक एक करके सुप्रिया देवी की तीनों सहेलियों को कैसे खत्म किया जाए। और उसने ये खतरनाक खेल शुरू किया, रूबी के नौकर को फोन करके, योर ऑनर। हेलो रामू काका। हाँ मैं रामू बोल रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा सीढ़ी से गिर गया, जल्दी आओ। क्या? अभी आया साहब, अभी आया, अभी आया। मेम साहब। क्या बात है रामू काका? अभी अभी घर से फोन आया, मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ तुम जाओ अपने घर। अच्छा मेम साहब। रामू काका जरा जाते हुए दरवाजा बाहर का बंद करते जाना। जी मेम साहब। राकेश तुम? हमें उस शैतान के फोन का विश्वास नहीं करना चाहिए था मालिक। हमें बिटिया रानी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मालिक। हमने बहुत बड़ी भूल की मालिक, बहुत बड़ी भूल की हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बैठ जाइए। योर ऑनर, राकेश एक शैतान था, एक दरिंदा था, पापी शक्ति थी उसमें। ये बात अदालत के सामने अच्छी तरह साबित हो चुकी है। इसके बावजूद अगर मेरे काबिल दोस्त कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं सुप्रिया देवी से दरखास्त करूंगा कि वो अदालत को यह बताएं कि राकेश के पागलपन ने आगे चलकर उससे और क्या क्या करवाया। राकेश की गोली से जख्मी होकर मेरी सहेली बीना अस्पताल में मौत से लड़ रही थी। उस वक्त मैं भी उसके साथ थी। Good night, sister. Good night, doctor. Yes, doctor. Hello, Ravi here. Sir, Vina मर चुकी है. What? Inspector का भी खून हो गया है, sir. हाँ? ठीक है, काम करो तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ. Yes, sir. तुम फिंगरप्रिंट्स लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. ओके सर. दिमाग पर शौक लगने की वजह से या फिर दिल में राकेश का डर बैठ जाने की वजह से सुप्रिया बहुत देर तक बेहोश रही. एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं वही था. सुप्रिया का जल्द होश में आना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके साथ मिलकर ही हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते थे. मैं इंतजार कर रहा था कि सुप्रिया कब होश में आए. नहीं, क्या सुप्रिया, come to your senses, me. ये मैं हूँ. वो कहाँ है? वो पकड़ गया ना? नहीं, वो बच गया. Oh my God! अंजलि के घर ना चला जाए. बिना रूबी के बाद कहीं अंजलि का खून ना कर डाले. Oh my God! अंजलि का एड्रेस क्या है? चली वेला 10th Road जो पार्ले स्कीम. तो तुम उसे लस्ट का मतलब समझा रही थी. वो बेचारी तो नहीं समझ पाई लेकिन तुम समझ जाओगी. आप समझे? यस. मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ. हाँ, आइए अंदर. अंजलि, अंजू, अंजू बेटी, दरवाजा खोलो. अंजलि दरवाजा खोलो. अंजलि किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे. मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं. आप बैठिए प्लीज. और मैं ऑफिसर, अंजलि ठीक है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप अंजलि के यहाँ गए थे ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ अंजलि को? सुप्रिया जी, आई एम सॉरी, आपकी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? नहीं, नहीं। अपने आप को संभालो सुप्रिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इन तीनों की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा, पुलिस का काम और भी मुश्किल हो जाएगा। आप हमारी मदद करें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ऑफिसर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुड, मुझे यकीन है कि मुजरिम अस्पताल के आसपास ही कहीं छुपा हुआ होगा और इस ताक में होगा कि आप यहाँ से बाहर निकलें तो वो आपका पीछा करें। हमें इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे? कल सवेरे अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही आप अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेली जाएंगी। वो जहाँ भी होगा आपका पीछा करेगा क्योंकि आपके साथ कोई नहीं होगा। लेकिन आप घबराएंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं आपको फॉलो करना शुरू करूंगा। आपकी जैसे ही उस पर नजर पड़े आप वॉकी टॉकी से मुझे खबर कर सकती हैं। मगर वॉकी टॉकी? आज रात आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में वॉकी टॉकी रख दिया जाएगा। लेकिन आपकी गाड़ी नीचे ही है ना? जी हाँ। गुड, सुबह तक पुलिस का पहरा भी अस्पताल से उठा दिया जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू ऑफिसर। आप चाहें तो मुझे रवि कह सकती हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बाय द वे, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? MMG 5207। सुप्रिया, इधर उधर ही देखना, मेरी तरफ मत देखना। गाड़ी में बैठ के हाईवे की तरफ मुड़ जाना, शहर की तरफ मुड़ के मत जाना। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ। ओके? सुप्रिया, मैं रवि बोल रहा हूँ। सुप्रिया, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सुप्रिया, डरने की कोई जरूरत नहीं। रवि, सुप्रिया, गाड़ी रोको। क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप मेरे जाल में आ गए एसपी साहब। आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, मैंने उसमें से पेट्रोल निकाल दिया। दफा 302 के तहत मुल्जिम राकेश की दिमागी हालत को देखते हुए अदालत उसे 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। योर ऑनर, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। 5 साल जेल की सलाखों के पीछे हवस की आग में जलते रहने के बाद राकेश अचानक एक दिन जेल तोड़ के भाग गया और सुप्रिया देवी के घर जा पहुंचा। वहां पर उसने इनके सुखी परिवार को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। एसपी रवि की कॉफी में उसने कुछ नशीली चीज मिलाकर उनको पिला दी, इनकी नौकरानी को मार डाला और इनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। योर ऑनर, इन्होंने जो कुछ किया वो अपने बचाव के लिए किया। ऐसी हालत में अगर कोई दूसरी औरत भी होती तो मैं समझता हूं वो भी यही करती। That's all, Your Honor. तमाम तहकीकात और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राकेश एक खतरनाक और पागल इंसान था। वो एक सजायाफ्ता मुजरिम था और वो अपनी काली विद्या का नाजायज इस्तेमाल किया करता था। इसलिए सुप्रिया देवी ने जो कुछ भी किया अदालत उन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकती। इसलिए कोई भी सजा ना सुनाते हुए उन्हें इस अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है। और कोई भी सजा ना सुनाते हुए अदालत में बाइज्जत बरी करती है। अब तो हद चलो। मैं कैसे हंस सकती हूँ रवि? मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो गई हो? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, समझो कि एक गंदा सपना था। अब चलकर हम लोग आने वाली सुबह की खुशियों को अपना ले तो सब ठीक हो जाएगा। हर सुबह के बाद रात होती है, अंधेरा होता है, भयानक अंधेरा। मेरी बात मानो रवि, वो जरूर आएगा। कैसी बातें करो तुम, कोई नहीं आने वाला। पागल हो गई हो? चलो। उसका शरीर तो मिट गया रवि, पर मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उसका शरीर मिटने से पहले उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। देखो, पहली बात तो आत्मा कभी आती रही, और दूसरी बात अगर उसकी आत्मा आ जाए तो मुझसे मत कहना, मैं हंस दूंगा। चलो। ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। ओके सर, चलो। बेटे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चलता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको घर छोड़ाता हूँ। लेकिन तुम आराम करो, मैं जल्दी ही घर लौटाऊंगा। ओके? Okay. राकेश मर चुका है, इसे तुम जानती हो। वाह, कहाँ है राकेश? मरे हुए लोग वापस नहीं आते। मेरा यकीन करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम चलकर अंदर देखो। घर के सारे खिड़की दरवाजे इस तरह बंद हैं, जैसे किसी ने ताले से बंद कर दिया है। आओ, चल के दिखाओ हमें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जब देखो तब राकेश की बात करती हो, खामखा। अब बताओ कहाँ है वो राकेश? लेकिन मेरा यकीन करो। ये खाक यकीन करो तुम्हारा, अगर इसे तो तुम वहम का शिकार होते रही तो एक दिन तुम पागल हो जाओगी। अपने आप पर सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मिनी का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? ए, ए, अच्छा बाबा, I'm sorry। देखो, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। सॉरी। क्या हुआ सुप्रिया? राकेश आए। पागलपने की बातें मत करो राकेश, मर चुका राकेश। मेरा यकीन करो मेरा। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, किसी पहाड़ी जगह पे ले जाइए, बेटर फील करेंगे। जिंदगी का सफर है अकेला नहीं, हर कदम पे यहाँ मैं तेरे साथ हूँ। अब तुझे डर है क्या? मुस्कुरा जो हुआ भूल जाओ, जिंदगी का सफर है अकेला नहीं, हर कदम पे यहाँ मैं तेरे साथ हूँ। अब तुझे डर है क्या बेटे? मिनी बेटा घर आ गया। लेट्स गो। सुप्रिया होम स्वीट होम आ गया ना? हाँ आ गया, अपना मकान आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ बहुत मजा आया। अभी अभी तो हम लोग आ ही रहे हैं। डैडी एक मिनट। सुप्रिया 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 दरवाजा खोलो। सुप्रिया क्या हो रहा है? सुप्रिया क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर वो है। अंदर कुछ नहीं है। अंदर देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। देखो कहाँ कुछ है? अरे कुछ नहीं है अंदर। देखो ना कहाँ कुछ है। तुम पागल हो गई, खाम कर डर रही हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो कुछ नहीं है। सुप्रिया, आई एम सॉरी, आज तक मैंने तुम्हारी बातों का यकीन नहीं किया। जिन जिन तकलीफों से तुम गुजरी हो उसका एहसास है मुझे। मुझे माफ कर दो। एक नजर ना आने वाले सच्चाई को, एक गिरफ्तार ना होने वाले साए को मैं तुम्हारे दिमाग का वहम समझता रहा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सुप्रिया। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। 20वीं सदी में आज के साइंस के जमाने में साया, आत्मा और रूहों का भी कोई वजूद हो सकता है, मैं कैसे यकीन कर सकता था। मुझे बचा लो रवि, मेरी बच्ची को बचा लो, वरना ये मलूस आया इस घर को शमशान बना देगा रवि। ऐसा कभी नहीं होगा सुप्रिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, राकेश की गंदी रूह हर बार तुम्हारे जिस्म को पाना चाहती है, लेकिन आज तक वो कामयाब क्यों ना हो सकी। तुमने मुझे बताया था पहली बार। दूसरी बार। तीसरी बार। ये क्या हो रहा मम्मी? और चौथी बार। क्या पापा? हर बार तुम मिनी की वजह से बची हो। इसी की वजह से राकेश की आत्मा तुम्हें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। मेरी समझ में बात आ गई सुप्रिया। इस पवित्र और महान शक्ति की वजह से राकेश की गंदी आत्मा आज तक तुम्हें हासिल करने में नाकामयाब रही है। हाँ। मम्मी तुम ये लॉकेट ले लो तो तुम अच्छी हो जाओगी। जब तक ये शिव जी का लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगा, राकेश की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लिए थे। पापा ठीक हो जाएंगे, घबराओ नहीं मिनी। रवि तुम ठीक हो? रवि रवि गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? फायदा नहीं रवि, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। जब भी राकेश की आत्मा इस घर में आती है, घर की किसी चीज पे हमारा बस नहीं चलता। ये क्या हो रहा है? Oh my God! टेलीफोन खुशियाँ वापस लौटा दो। तुम मुझे चाहते हो ना? तुम मेरे जिस्म से प्यार करते हो ना? मैं आज उसका भी सौदा कर लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपना जिस्म तुम्हारे हवाले कर दूँगी। पर उसकी एक शर्त है, तुम अपनी आत्मा मेरे पति के जिस्म से निकाल दोगे। चले जाओ यहाँ से राकेश। मुझे माफ कर दो। आँखों से आंसू तेरे हंस के पी जाऊं मैं, आँखों से आंसू तेरे हंस के पी जाऊं मैं। तू मुस्कुरा दे अगर मर के जी जाऊं मैं। अश्क यूं ना लुटा जो हुआ भूल जा। जिंदगी का सफर है अकेला नहीं, हर कदम पे यहाँ मैं तेरे साथ हूँ। अब तुझे डर है क्या जो हुआ भूल जा। जिंदगी का सफर है अकेला नहीं। सुप्रिया। रवि, तुम ठीक हो ना? हाँ मगर मुझे क्या हो गया था? मेरा सर इतना भारी क्यों है? राकेश का साया फिर तुम पर आ गया था। ओह नो, रवि कहीं मैंने मुन्नी को? नहीं नहीं, ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना, वो वहां सो रही है। रवि, शायद आज मैं और मुन्नी तुम्हारे हाथों मारे जाते। नहीं सुप्रिया नहीं, इसीलिए आज मैंने अपने आप को राकेश की आत्मा के हवाले करना मंजूर कर लिया है। ये तुमने क्या किया सुप्रिया? इसी में तुम्हारी और मुन्नी की भलाई है। तुम होश में हो? क्या कह रही हो तुम? इसमें भलाई नहीं बुराई है। तुम समझने की कोशिश करो। जो तुम कह रहे हो उसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें करना पड़ेगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो राकेश का साया फिर तुम पर आ जाएगा। हो सकता है तुम्हारे हाथों मेरी और मुन्नी की जान चली जाए। ओह फॉर गॉड सेक सुप्रिया, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। जो बात तुम सुन नहीं सकते, होश में आने के बाद क्या तुम देख सकोगे? रवि, मैं वक्त के इम्तिहान में फंस गयी हूँ। सभी को मेरी कुर्बानी और बलिदान की जरूरत है। कुर्बानी में जान दी जा सकती है, इज्जत नहीं। वो इज्जत किस काम की जिससे मेरा सुहाग मेरी गोद उजड़ जाए? हिंदुस्तानी औरत अपनी इज्जत के लिए जान पे खेल जाती है, सती हो जाती है, मर जाती है, और एक तुम हो जो पति की इज्जत, घर की लाज और अपनी आबरू को एक नापाक गंदी रूह के हवाले कर देना चाहती हो। मेरी आबरू से ज्यादा कीमती मेरे पति, मेरी बेटी की जिंदगी है। यही मेरा धर्म है। ओह, धर्म का नाम लेकर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश मत करो सुप्रिया। ये घर एक घर नहीं बल्कि एक पवित्र मंदिर है और ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। दो जिंदगियों को बचाने के लिए अगर एक जिंदगी बर्बाद हो जाए तो वो पाप नहीं पुण्य है। यही मेरा आखिरी फैसला है। What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये बात तुमने सोचने की हिम्मत कैसे की सुप्रिया? वो तो एक गंदी आत्मा है, तुम्हारी इज्जत के लिए मैं परमात्मा से भी लड़ सकता हूँ। जब अग्नि के सामने मैंने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे उस वक्त जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी। भले ही खिड़की दरवाजे जिंदगी भर के लिए नहीं खुले लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी इज्जत पर आंच तक नहीं आने दूंगा। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगे, सिर्फ यहीं रहोगे, समझिए। जब तक ये शिव जी का लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगा राकेश की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब तुझे डर है क्या? लिफ्ट ऑफ। जो हुआ भूल